हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन आवर्स। ओके बेटा, तो यू स्टेप अप इन क्लास 11th, 10th में प्रमोट हो गए। दैट्स गुड और बैड, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। बट आपने अब क्या है, अगर बायोलॉजी चूज किया है, यू हैविंग सम एम और उसको स्ट्रांगली फुलफिल करना है, तो आपको 11th से स्टार्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर, टोटल 5 यूनिट्स है, इज इट क्लियर? और फर्स्ट यूनिट में हमें 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड? जिसमें पहला जो चैप्टर हमारा वो लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो देखिए द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले इस चैप्टर में मेनली हमें क्या क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज लिविंग। फिर हमें डिस्कस करना है अबाउट द टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं आप। फिर हमें डिस्कस करना है कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और एक लास्ट हमें डिस्कस करना है सम की फीचर्स और की एड्स। ओके, सबसे पहले बात हो जाती है व्हाट इज लिविंग, अंडरस्टैंड? तो कल की वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था कि लिविंग क्या होते हैं। देखिए क्लास 6-7 में आपने इतना टोटल डिस्कस कर लिया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनमें, दे कैन ग्रो, ओके, दे रिप्रोड्यूस, दे टेक फूड, दे एक्सक्रीट, ओके, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यानी सिंपल सी चीज ये है बेटा कि वो ठीक है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन नॉट डिफाइन दैट दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दीज आर द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो 11th क्लास में हम इनको एक वाइड व्यू से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं और ये नहीं। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात होती है ग्रोथ। ग्रोथ आपको कल की वीडियो में भी समझाएंगे कि ग्रोथ क्या होता है। देखिए ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल। अगर हम बात करें एक्सटर्नल ग्रोथ की, तो एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का फीचर है, ठीक है? क्यों? फॉर एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स की बात करते हैं, आपने देखे हैं मिट्टी, इवन हम डेजर्टिकल एरिया से, तो ये तो हमने बहुत ज्यादा देखा है। और जब डे टाइम में हवाएं चलती है, तो होता क्या, इसके ऊपर धीरे धीरे स्लोली स्लोली और सैंड डिपोजिट होती चली जाती है सैंड। ओके, और सैंड ड्यून्स है इनकी ग्रोथ हो जाती है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं कि जो सैंड ड्यून्स है उनकी ग्रोथ हो गई। और सैंड ड्यून्स क्या हो गए, उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई, उसकी जो एक तरह से वो आउटर पहले स्मॉल थे और बड़े हो गए, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ। बट एक्सटर्नल ग्रोथ किसका फीचर है, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं। तो लिविंग में यानी ग्रोथ तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ कैसे होगी, सेल डिविजन, ठीक है? इंटरनल ग्रोथ कैसे होगी, सेल डिविजन से, ठीक है? आगे हम डिस्कस करेंगे अदर चैप्टर्स में। ये जो सेल डिवीजन होता है दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मीटोसिस, ठीक है? बट फिलहाल आपको यही समझना है कि जो भी ग्रोथ होती है, और इस पास की कौन सी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। तो इंटरनल ग्रोथ कैसे होगी, सेल डिवीजन से होगी। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, माइटोसिस मीटोसिस, सिर्फ इतना ही याद रखना होगा आपको, ठीक है? अब अगर बात हम करें इंटरनल ग्रोथ, तो हो गई सेल डिवीजन से। देखिए ग्रोथ में एक और चीज क्या होगी, सबसे पहले चीज आपने देखी ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ मेन फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किस वजह से होगी, सेल डिवीजन से होगी। सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है? अगर बात हो एक्सटर्नल ग्रोथ की, तो एक्सटर्नल ग्रोथ भी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन अगर सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ है तो हम उनको लिविंग नहीं कह सकते, फिर वो कौन से हो जाएंगे, नॉन लिविंग, ठीक है? इसके बाद देखिए ग्रोथ, ग्रोथ में और चीज क्या होती है, ग्रोथ में मास भी इंक्रीज होता है प्लस नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है। यानी आप कह सकते हो साइज और सेल दोनों इंक्रीज हो गए, क्लियर है? ठीक
ठीक है, ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग चीज है, बट ये अलग किसके लिए? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, आपको मल्टी सेल्यूलर तो पता ही होगा, मल्टी यानी बहुत सारे सेल्यूलर यानी सेल्स जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का नाम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होता है, ग्रोथ पहले होती है, उसके बाद में जब मेच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम यही बात यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए करें तो व्हाट आर यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल, और सेल्यूलर यानी सेल, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स से क्या होता है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ लगभग सिनोनिम्स, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लगभग क्या है दूसरे के सिनोनिम्स। कैसा है सिनोनिम्स, आपको याद होगा आपने 10th क्लास में इतना तो पढ़ाई होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अमीबा, ठीक है, और अमीबा में होता क्या है, जैसे ये मैच्योरिटी अटेन करता है, मैच्योर होता है तो इसमें कुछ ग्रूव्स बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका भी डिविजन हो जाता है, ठीक है, और एक लास्ट में इससे दो अमीबा बनते हैं। तो इसमें क्या होता है यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लगभग क्या हो गया, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, क्लियर, ओके। इसके बाद तो ये तो की बात ग्रोथ, देखिए बेटा एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में, तो आपको ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। तो उसमें यही है कि ग्रोथ क्या है, सबसे पहला जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दैट इज ग्रोथ, और ग्रोथ में लिविंग के अंदर कौन सी ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। सिर्फ अगर एक्सटर्नल ग्रोथ की बात की जाए तो वो सिर्फ नॉन लिविंग में होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्रोथ की बात की जाए तो किसमें होती है, लिविंग में, ओके। इसके बाद देखिए ये तो थी पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, रिप्रोडक्शन। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर ऐसा होता तो हमारा जो एक बड़ा घर है, ठीक है, इसके बहुत सारे छोटे बेबीज होते, अंडरस्टैंड, बड़े घर में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, छोटे में हम लोग रहते हैं, ठीक है, बट देखिए ऐसा होता है, अंडरस्टैंड बेटा, यानी नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो किसके प्रॉपर्टीज है, लिविंग, ओके। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो वर्ड में ही क्लियरली बता रहे हैं, री मींस क्या होता है, अगेन, ओके, और प्रोडक्शन मींस क्या होता है, टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ओके, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। चलिए अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एसेक्सुअल, अनदर इज सेक्सुअल। ए मींस विदाउट, सेक्सुअल मींस पे क्या कह सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत होती है, अंडरस्टैंड, क्यों, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ
दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है एसेक्सुअल में। तो एसेक्सुअल में क्या चाहिए? यस, एसेक्सुअल में क्या है कि मेरे सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, और ये कौन कौन से मेथड से होता है? तो ये होता है फीजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर हो गया? ये फैक्टर ऑफ वैल्यू किसमें होता है? फीजन किसमें होता है? जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा में होता है फीजन, ठीक है, यानी एक अमीबा जो है वो मैच्योरिटी के बाद टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? स्पाइरो वगैरह में, ठीक है, जैसे वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर एक पीस नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? ब्रेड बोर्ड वगैरह, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं, पॉइंट्स वगैरह, उनमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोर्ट्स की फॉर्मेशन होती है जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये स्पोर्ट्स भी जो है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको पता है, यानी प्लांट के जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, एक्सेप्ट द फ्लावर, एक्सेप्ट सीड्स, तो वो क्या होते हैं? रूट्स है, स्टेम्स है और बर्ड्स से हम क्या कर सकते हैं? लीव्स से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है किसी भी चीज की, सिंथेसिस या ब्रेकडाउन, वो मेटाबॉलिज्म होती है। सिंथेसिस या ब्रेकडाउन, ठीक है बेटा। तो चलिए, सिंथेसिस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और जो ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन है उनको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, अब एनाबॉलिक रिएक्शन में आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है? यानी जिसमें चीज की सिंथेसिस अगर हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन में क्या होता है? ब्रेकडाउन में आपने देखा जैसे डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? तो ये क्या करता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है? इट इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्या आप कह सकते हैं? पीरियड इन बिटवीन। ओके, तो ये है लाइफ स्पैन। अब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज, ये भी एक खास प्रॉपर्टी होती है लाइफ स्पैन। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, बाकी हम कर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।